हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये वीडियो हर एक इंसान को जो मार्केट में चाहे आना चाहता हो, आ रहा हो, उसको देखनी चाहिए कि ट्रेडर को किस तरीके से फंसाया जा रहा है और साथ में एक बिग ट्रैप के बारे में भी। साथ में मार्केट खुलने से पहले जो आपके मन में भय संशय रहती है, तो मार्केट खुलने से पहले हम एक 60 सेकेंड की वीडियो टेलीग्राम पर डालते हैं, आप को वो टेलीग्राम पे मिल सकती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। स्टॉक का नाम है कैनफिन होम्स। अब यहां बाय सेल क्या लग रहा है, इस सब बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में लास्ट में आएंगे चार्ट के साथ। इस शेयर में अगर पिछले कुछ दिन से आप जाएंगे तो टीवी पे हो, सोशल मीडिया पे हो, आर्टिकल में हो, बाय की एडवाइस दी जा रही थी, आपको भी पता होगा और आप भी चार्ट में देखेंगे तो लगातार तेजी भी हुई है, अच्छी खासी वाली, जिसको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। लेकिन सडनली लास्ट 3 दिन में हाई 668 से 545 का लो मारा, यानी मोटा मोटा 123 पॉइंट की गिरावट। रीजन क्या है? रीजन क्योंकि कंपनी के एमडी और सीईओ गिरीश कौसगी जी ने रिजाइन कर दिया, रीजन पर्सनल बताया। ये न्यूज कल आफ्टरनून के पास आई है, ध्यान से एक एक दिन को समझिएगा। जबकि स्टॉक डाउन होना शुरू हो गया था 16 सितंबर से, यानी शुक्रवार से ही। क्या कहीं कुछ इंटरनल न्यूज लोगों को पहले से पता थी, या पहले से पता थी या इसलिए स्टॉक को पंप किया गया और फिर आराम से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए? क्योंकि मार्केट में न्यूज आउट होने से पहले, आपको पता है, इस तरह की जब न्यूज आती है तो निगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं। तो कहीं ऐसा कुछ था जिसके कारण माल को उठा के रिटेल वालों को थमा दिया गया और उसके बाद तो भैया शुक्र, सोम, मंगल लगातार मंदी, जबकि न्यूज मार्केट में रिटेल वालों के पास मंडे आफ्टरनून के पास आई है, मीडिया में मंडे आफ्टरनून के पास आई है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कुछ गेम हुआ है रिटेल भाई के साथ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किन किन लोगों ने बाइंग की रिकमेंडेशन देखी थी, कौन कौन फंस गए, क्या है अपना व्यू। हर एक ट्रेडर को देना जरूरी है क्योंकि मैं आप ही के लिए ये आवाज उठा रहा हूं और वहां पर मुझे आपका मैसेज कमेंट में होना जरूरी है। यहां पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट बहुत गंभीर टॉपिक है जहां समझने की नीड है। इसीलिए वीडियो के शुरू में मैंने क्या कहा था, स्टॉक अच्छा है बुरा है हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो बस न्यूज बेस गेम हुआ है, जहां पर अप और डाउन करके एग्जिट की कहानी है, ये चीज समझने की जरूरत है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी के टिप्स पर, सिर्फ टिप्स पर जाकर कभी ट्रेड ना करें। जब तक हम खुद से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हम पैसा नहीं कमा सकते। चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं ऑन चीजों को। देखिए, आपके सामने है जहां पर कैनफिन होम्स, जो मैंने आपको बताया था, लगातार तेजी हुई और 3 दिन में गिरा है। काफी सारे लोग फंस गए जो ट्विटर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उनका मैसेज भी आया। तो पहले तो सेंसिटिव टॉपिक को मैंने डिस्कस कर दिया, अब हम आते हैं कि एज पर स्टॉक वाइज लेवल क्या है। तो देखिए, जब भी किसी कंपनी के इस तरीके से एमडी सीईओ के रिजाइन की खबर आती है तो स्टॉक पे निगेटिव इम्पैक्ट आता है, जरूर आता है, जो आपने देखा है। लेकिन अगर टेक्निकल लेवल पे देखने जाएं तो 517 के पास का मेजर लेवल है जिस पे हमें नजर रखने की जरूरत है कि क्या 517 का लेवल होल्ड करता है। तो ये वो लेवल है जहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि चलिए मार्केट कुछ रिएक्शन करेगा, जिस पे हम नजर रख सकते हैं। बट अगेन, मेरा मकसद इस टॉपिक को उठाकर लेवल देने से ज्यादा जो कुछ हाल में हुआ है वो आपके नजर में लाना था। वहां पर दुर्गा पूजा का मेगा बम्पर ऑफर आ चुका है 25 सितंबर की क्लास में, जो साल में सिर्फ एक बार आता है, जहां पर किस तरीके से स्टूडेंट खुद से कमा रहे हैं उसका फीडबैक हर दिन मैं टेलीग्राम में डालता हूं। ऐसे अनगिनत स्नैपशॉट हैं, सिर्फ गिनती के इसलिए डालता हूं कि आप समझ सकें कि कहानी क्या चल रही है, लोग किस तरीके से कमा रहे हैं और आप भी बिल्कुल उसी तरीके से कमा सकते हैं। तो इस मेगा ऑफर को अभी ले, 9708094321 पे कॉल करके सीट बुक कर लीजिए, जिससे कि ऑफर आपके हाथ से ना जाए। लिमिटेड सीट है,
इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब कुछ सीखेंगे, जैसे बजाज फाइनेंस मैंने कल रात के में दिया, और देखिए जो फॉलो करते हैं उन्होंने कमाया भी, किस तरीके से कमाया, तो बजाज फाइनेंस हमने सबको यूट्यूब पर बताया। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं कि मैं कैसे सोचता हूँ, मैं भीड़ से अलग कैसे ट्रेड देता हूँ, कैसे हाथ पकड़ के आपको सिखाता हूँ कैसे लाइव ट्रेडिंग होती है, कैश फ्यूचर ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी जहाँ मन वहाँ बिंदास कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो सब हम आपको सिखाने वाले हैं। 9708094321 पे आप कॉल कीजिए और जानिए। अब हम बात करते हैं एक बिग ट्रैप जहां फंस ना जाना। देखिए बंदूक का अगर सही तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सेफ्टी होती है, और गलत तरीके से करते हैं तो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। यानी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम यूज़ सही तरीके से कर रहे हैं तो फ़ायदा, और सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो नुकसान, लॉस, महालॉस, बिग ब्लंडर की कहानी है। वैसे ही एक चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आते ही लोग इस चीज़ का बिना सोचे समझे यूज़ शुरू कर देते हैं और बाद में मुश्किल में आते हैं। और इसको पूरा देखिएगा तो आप समझेंगे, फंसेंगे नहीं और सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। देखिए आपको पता है फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज 23 से 30 सितंबर, अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 23 सितंबर, ऐसे नए न जाने कितने फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुके हैं जहां पर आपको मेगा बम्पर ऑफर मिलने वाला है, मोबाइल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेगा डिस्काउंट। अब आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आपके मन में लालच आएगा, भैया हम भी खरीद लें, फेस्टिवल सीजन है हम भी खरीद लें, तो लोग क्या करते हैं क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, डिस्काउंट भी मिल जाता है, ईएमआई की भी सुविधा मिल जाती है, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी जो एक बहुत ही लेटेस्ट में ऑप्शन चल रहा है वो है बाय नाउ पे लेटर। अब ये जो है ना यंगस्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अब जैसे मैंने कहा ना बंदूक, तो ये जो बाय नाउ पे लेटर है बंदूक, बिल्कुल बंदूक की तरह है, ध्यान से। अब यहां पर पर्सनल लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना, उसकी तुलना में ये भैया सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, सुपर अट्रैक्टिव। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें 0% इंटरेस्ट का दावा किया जाता है, प्रोसेस भी आसान है, ईएमआई में भी पेमेंट है, और बाय नाउ पे लेटर कंपनी आपको बिना ब्याज कर्ज चुकाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत भी देती है बिना इसकी शर्त जाने। ध्यान से अब आते हैं उस बंदूक के नोक पर। हमें हर चीज अच्छी दिखी तो दिल में अट्रैक्शन आया, लेकिन कहते हैं स्टार मार्क के साथ कुछ भी चीजें आती, तो वहां पर स्टार मार्क है यानी शर्त, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो बैकफायर कर सकती है। यहां पर पैसा ना चुकाने पर आपको कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अब है क्या जान लीजिए। बाय नाउ पे लेटर कस्टमर को ईएमआई में पेमेंट करने की फैसिलिटी देता है, 0% इंटरेस्ट रेट का दावा किया जाता है। एक कस्टमर ऑनलाइन खरीदते समय पैसे की कमी के कारण खरीदारी को क्या करता है, पोस्टपोन कर सकता है, लेकिन बाय नाउ पे लेटर से तुरंत खरीद लेता है बिना इंतजार किए और बिना पोस्टपोन किए। अब बाय नाउ पे लेटर कंपनी ग्राहक की ओर से मर्चेंट को एक छोटी ट्रांजेक्शन फी लेने के बाद पेमेंट कर देता है, और एक बार जब लेंडर आपकी ओर से भुगतान कर देता है तो आपको एक निर्धारित समय अवधि के अंदर उस पैसे को चुकाना है। अब इसका भुगतान या तो एक साथ करना है या नो कॉस्ट ईएमआई के रूप में, और यहाँ पर फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, पेटीएम हो, इस तरह की सर्विस देती है। अब सवाल है सर्विस है या ट्रैप है, ये डिपेंड करता है आप इस बंदूक का यूज़ कैसे कर रहे हैं। अब कई लोग क्या करते, कैपेसिटी से ज़्यादा खरीद लेते क्यों ऑफर है, और बाद में पेमेंट करने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि बैक अर्निंग का पता नहीं होता है या सिर्फ प्लानिंग पे होता है, यहाँ से पैसा आएगा तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, बट यहाँ से पैसा आता नहीं है तो यहाँ से पे नहीं हो पाता है, और उस डेट के ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी बंदूक से खुद पे गोली या दूसरे पे मार लिया। अब जब आप पेमेंट समय पर नहीं देते हैं तो ये कंपनियां उठा के इसकी रिपोर्ट क्रेडिट स्कोर एजेंसी को दे देती हैं और आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, और आपको समझ में नहीं आता कि मेरा क्रेडिट स्कोर खराब कहां से हुआ, और इससे अगला लोन लेने में आपको दिक्कत आती है। समय पर पैसा नहीं देने पर पेनाल्टी भी लगती है। यानी अब देखिए ध्यान से, अगर हम सही तरीके से यूज कर रहे हैं तो बहुत आसान है, टाइम पे पैसा दे रहे हैं बहुत आसान है, अगर हम इंस्टॉलमेंट आसानी से पे कर रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही
अगर हमारे पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, हमने सिर्फ लालच में आकर शॉपिंग 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 कर ली, वहीं पर बैंड बज गया। जी हाँ, बैंड बज गया। क्योंकि आपको बता दूं, टाइम पर पैसा ना चुकाने पर ब्याज, पेनाल्टी, लेट फी, सरचार्ज, मर्चेंट ट्रांजेक्शन फी, न जाने क्या क्या लगते हैं, उस स्टार मार्क को आप देख ही नहीं पाते हो। क्रेडिट स्कोर के बारे में मैंने बता ही दिया, तो टर्म कंडीशन आती है। आपको इसको मैं बड़े छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर मान लीजिए फ्लिपकार्ट का पे लेटर लेते हैं तो 100 से 500 रुपए के बिल पर 60 रुपीस तक का लेट पेमेंट चार्ज है, 60 रुपीस तक का। 501 से 1000 तक पे 125 रुपए का, 1001 से 2000 तक पे 175 रुपए का, इस तरीके से ये लोग करते जा रहे हैं। पेटीएम पे आ जाओगे 101 रुपए से 250 रुपए पे 10 रुपया, 251 से 500 रुपए पे 25 रुपया, इस तरीके से ये लगातार ले रहे हैं। तो भैया वही लें जो दे सकें, कर्ज चुकाना मुश्किल हो तो ऐसा कर्ज लेना क्यों। हमारे पॉकेट में जितना पैसा है हम उतना ही खर्च करेंगे। तो भारत में ये मार्केट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सिर्फ यंगस्टर के कारण, बट उतने ही यंगस्टर इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, ये भी उतना ही बड़ा सच है। तो मेरी एक दरख्वास्त रहेगी इस फेस्टिवल सीजन पे हाथ जोड़ के सबसे, प्लीज़ बंदूक को सही तरीके से यूज़ कीजिए। आप में से कितने लोग कभी इस ट्रैप में फंसे हैं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे दूसरे यंगस्टर उस कमेंट को देख सकें और जान सकें कि नहीं भैया ये तो गलत हुआ है। अब हम चलते हैं कल के बेहतरीन शेयर पर। बट जैसा कि मैंने कहा, निफ्टी बैंक निफ्टी में जो मेरा दिया हुआ लेवल है 18,100, उसको कभी बिल्कुल भी भूलिएगा मत। और हम आते हैं शेयर पर, तो वहाँ पर हमने ट्विटर पर एक शेयर डाला था चार्ट के साथ, यूनिकेम लैब। उससे पहले बता दूं, कल जो लेवल दिए हैं वो एज इट इज़ वैलिड हैं, बजाज फाइनेंस में पैसा बन चुका है। यहाँ पर अगर इसने कुछ गेम करना है तो 404 इसका रियल मेक और ब्रेक बनने वाला है, तो पेपर में नोट कर लीजिए 404। उसके बाद देखिए, जिसके पास लेवल लिखा हो, सिप्ला ने कैसे धमाका पैसा दिया और सिप्ला आज फाइनली हमारे 1065 के लेवल को तोड़ते हुए और 1085 के लेवल को तोड़ते हुए 1097 तक आ गया। तो यानी 1100 इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक है, जहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं पर इसका सपोर्ट लेवल 1084 वही पुराने वाला और 1063 वही पुराने वाला है। तो आपके सामने है, पैसा बहुत आसानी से बनता है, स्टॉक सेलेक्शन भी उतना ही आसान है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद करते हैं रिलैक्सो की। रिलैक्सो लगातार 5-6 दिन से एक ही लेवल पे अटका हुआ है, तो हमारे लिए 1106-1107 इसका मेक और ब्रेक है। जहां पर 1106-7 के ऊपर चलता है, बाइंग कन्फर्मेशन देता है, तो आप बाई के बारे में सोच सकते हैं, या फिर वहां से सेल सिग्नल देता है तो आप सेल के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे ही अगर हम अदानी विल्मर की बात करें, तो अदानी विल्मर का एक हाई है 769 का और आज भी 769 का हाई लगा है, यानी 772 एक आध रुपया जो ऊपर नीचे होता है इसका मेक और ब्रेक है। यानी इसके ऊपर चलता है तो आप बाइंग का गेम देख सकते हो, नहीं चलता है, सेल का कन्फर्मेशन देता है तो आप सेल देख सकते हो। और याद रखो, पैसा वही कमाएगा जो दोनों साइड देखता है। अनएजुकेशन के कारण ट्रेडर कभी भी सिर्फ एक साइड देखता है, और ये अनएजुकेशन दूर होगी तभी पैसा बनेगा। पतंजलि फूड 1400 का इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, 1400 का। अब इसको मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं, तब आप लाइव समझोगे। पारस डिफेंस का चार्ट है, कल हमने पारस डिफेंस आप लोगों के साथ शेयर किया था, जहां पे हमने पारस डिफेंस का बताया था 811 इसका मेक और ब्रेक बनने वाला है। अब आप देखो 804.90 रुपये के पास से ये पलटा, और यहाँ पे आप देखोगे इसने सेलिंग कन्फर्मेशन 1000% मोहब्बत के साथ दी है। तो इसको बोलते हैं सही ट्रेडिंग, सही टेक्निक के साथ काम करना। ये स्टॉक कल भी डिस्कस हुआ, आज भी मैं यही चीज़ कोशिश करता हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मैं कोई ट्रेड दे रहा हूँ, पेपर में भी नोट करें मैं किस सोच के साथ दे रहा हूँ, उसको भी मैच करें जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है। और ये सारी चीज़ें जिन जिन लोगों ने 25 सितंबर की क्लास बुक कर ली है, बिल्कुल तैयार हो जाइए सीखने के लिए, क्योंकि सीखेंगे तभी कमाएंगे और खुद के बॉस बनेंगे, खुद के मालिक बनेंगे, सेकंड अर्निंग करेंगे और पैसा कमाएंगे। थैंक यू सो मच।